हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं आर पावर शेयर प्राइजेस की। तो हम देखेंगे आर पावर की शेयर प्राइस आपके सामने, देखेंगे कि जो गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है वो किस कारणवश देखने को मिली है और अब कैसा इसका कमबैक रह सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन है, जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर रिलायंस पावर पे आप देखते हैं तो पिछले 5 दिन से 3% की गिरावट है, एक बहुत नॉर्मल गिरावट है 3% की, और 1 महीने से पॉजिटिविटी 23% की है। तो अब जो रीज़न है बिहाइंड इट वो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको सुनना है। तो इसके पीछे जो रीज़न रहा है वो ये रीज़न है कि जो इतना आप देखने को मिला आपको यहाँ पर 40% जैसा जो उछाल देखने को मिला है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है। अब मेरे को कहेंगे कई लोग, भैया इतनी प्रॉफिट बुकिंग आ तो चुकी थी 14.50 से 13.10 तक, तो भाई थोड़ी सी और आनी बाकी थी। मतलब जो ये ऊपर जम गया ना, इतना कमबैक और मान लो तुम, और अब ये लास्ट था, इसके बाद मंडे से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दूसरा कारण जो रहा, सेकेंड पॉइंट, वो ये रहा कि सभी स्टॉक गिरावट में रहते इस वजह से। तो ओवरऑल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो आपको अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।